वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी नीट एस्पिरेंट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से और जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, उनसे मंजूरी मिली है। अब मंजूरी किस चीज़ को मिली है, अब किसको लेकर, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। तो उसी को लेकर आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी नीट एस्पिरेंट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नीट और अन्य ऑल इंडिया मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए उनकी वीडियोज़ आप सभी को मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। देखिए क्या बोला गया है कि खुशखबरी बढ़ेगी मेडिकल की, हजारों सीटें मिल गई मंजूरी। अब क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं कि अगर आप मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इस क्षेत्र में आगे की पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। देश में मेडिकल की सीटें बढ़ने जा रही है। ये इजाफा कुछ 100 सीटों का नहीं बल्कि हजारों सीटों का होगा। इस प्रस्ताव को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से मंजूरी मिल गई है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का कहना है कि जितनी सीटें बढ़ाई जा रही है उनकी संख्या पिछले 5 सालों में जोड़ी गई कुल अतिरिक्त सीटों से भी ज़्यादा है। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार पीजी मेडिकल प्रोग्राम्स में अगले शैक्षणिक स्तर से 4,800 से ज़्यादा सीटें बढ़ाई जाएगी। इस बारे में वीके पॉल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में वादा किया था कि 2024 तक यूजी और पीजी मेडिकल की सीटें दोगुनी कर दी जाएगी। उसी दिशा में काम करते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अकेडमिक ईयर 2020 एंड 2021 से पीजी मेडिकल की 4,807 सीटें बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। ये सीटें बढ़ने से नए स्तर के लिए देश में पीजी मेडिकल एमडी व एमएस की कुल 36,192 सीटें हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि एमडी और एमएस की 36,192 सीटें और डीएनवी व एफएन की 8,000 सीटें मिलाकर अगले स्तर से मेडिकल पीजी की कुल सीटें करीब 44,000 हो जाएगी। बता दें कि 2014-15 तक देश में सरकारी व निजी कॉलेजों को मिलाकर पीजी मेडिकल की जो सीटें थी वो करीब 23,000 सीटें थी। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ा इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। लगभग 5,000 के करीब जो सीटें हैं वो अब की बार इस अकेडमिक सेशन 2020 एंड 2021 में इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी एस्पिरेंट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो आर्टिकल है वो आप सभी स्टूडेंट्स को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अदर इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।